नमस्ते सर, आज हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज प्रथम बार हमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने खुद वार्ता की है। मेरा यानी पूरे नीचा मार रहा है, यानी जैसे कुटिया में श्री राम आ गए ऐसा लगा मुझे। कुछ स्वयं बात करी आज मुख्यमंत्री जी, और मैंने अपने बच्चे के बारे में बताया तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा मुख्यमंत्री जी से कि मेरा बच्चा एक मूक बंद है। उन्होंने मेरी बात तुरंत ली, उन्होंने तो उन्होंने जिला अधिकारी महोदय से कहा इनके बच्चे का तुरंत इलाज कराएं आप और इनके देख ले। पहले उन्होंने आधार कार्ड लिया, तुरंत उन्होंने मेरे बच्चे की आधार कार्ड की फोटो खींच ली। अब जिला अधिकारी कह रहे हैं आपके बच्चे की जिम्मेवारी अब मेरी है इलाज की, उसको हर संभव कॉलेज में दाखिला की। यानी मेरा बच्चा 11 पास कर पाया था सागर से, और यहाँ पर कोई स्कूल है नहीं, इसलिए जिलाधिकारी ने कहा आप चिंता मत करिए, अब आपके बच्चे की जिम्मेदारी जिला की है। माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को जिलाधिकारी पूरा करेंगे। मैं आज कॉलेज करके मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पाता, मैं अपने बच्चे मूक बंदर बच्चे का इलाज नहीं कर पाता। आज मुझे बड़ा आज दिवाली की तरह मैं आज दिवाली सी लग रही है, आज जन्माष्टमी मुझे दिवाली का। क्या पूछ रहे थे योगी जी, क्या पूछ रहे थे? उन्होंने पूछा आप क्या काम करते हैं। मैंने की जूता पॉलिश करता हूँ और 3 सालों से जो मुझे किसी ने मुझे न्याय नहीं दिया, आपकी सरकार ने मुझे न्याय मिला। 10,000 रुपये का मुझे क्या नाम लोन मिला, उसके में क्या नाम आज मेरे बच्चे भी सुखी है, मैं भी सुखी हूँ। उज्ज्वला योजना का लाभ भी मिला मुझे, गैस सिलेंडर लाभ मिला, और राशन कार्ड से 2-2 बार मुझे राशन भी मिला, और मकान का भी मेरा आवास का भी भरा गया फॉर्म, और 4-5 दिन में आवास का भी होने वाला है। मुझे सारे लाभ मिल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कहना। रेहड़ी पटरी को लेकर क्या कहा आपने? रेहड़ी पटरी पे हमेशा आवाज उठाते हैं उसको लेकर। रेहड़ी पटरी पे आपके हाथ का भी किसी को कुछ खोलना ही नहीं है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी है रेहड़ी पटरी वालों को तो खोल नहीं सकता। उन्होंने ठेले वालों के लिए भी, होमके वालों के लिए भी, हर किसी व्यक्ति को जो रेहड़ी पटरी से जुड़ा है उनके लिए सबके लिए लाभ देने कहा है, और वो तुरंत आदेश दिए उन्होंने। जिनको लिए लाभ नहीं मिला तुरंत लाभ ले। अच्छा, मंत्री बगल में बैठे थे आपके स्थानीय मंत्री, आप वहाँ से टिकट मांग रहे हैं मेहरौनी से, उसको लेके क्या कहेंगे? अरे ये तो सब अब हमारे हाई कमांड इसका निर्णय लेंगे। मैं तो पार्टी का हूँ इसलिए मांगता हूँ टिकट मांगेंगे ना। मांगेंगे अभी इतने खुश हो गए आप, टिकट नहीं मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए तो क्या आप भूत पोलस करने वाले विधायक नहीं बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे यार, मुख्यमंत्री जी की अगर आशीर्वाद रहेगा तो जरूर बनेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छे नरम स्वभाव के हैं। गुंडों के लिए गरम है और गरीबों के लिए नरम है। मैं ये जानता हूँ कि जो इस प्रदेश में गुंडागर्दी करेगा तो उनके लिए जेल है, और जो गरीबी में अपना ईमानदारी से काम करेगा उनके लिए सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हम लोग। आज बड़े खुश हैं? हाँ बहुत खुश है। बॉलेस बढ़िया होगी? बॉलेस बढ़िया होगी सर, अच्छी बॉलेस होगी।